भारत ने जून में एक महीने पहले की तुलना में 14.96% अधिक पाम तेल का आयात किया। पाम तेल के निर्यात पर इंडोनेशिया के प्रतिबंध के प्रभाव को कम करने के लिए भारत ने मलेशिया, थाईलैंड और पापुआ न्यू गिनी से पाम तेल की खरीद बढ़ा दी। वहीं सॉल्वेंट एक्सट्रेटर्स एसोसिएशन यानी कि सी ने बताया कि भारत ने जून में 5,90,921 टन पाम तेल का आयात किया, जबकि मई में उसने 5,14,022 टन पाम तेल का आयात किया था। भारत में खाद्य तेल की खपत विश्व में अधिक है। वहीं बता दें कि पाम तेल के सबसे बड़े उत्पादक और निर्यातक देश इंडोनेशिया ने अपने यहां बढ़ती कीमतों पर लगाम कसने के लिए 28 अप्रैल को पाम तेल के निर्यात पर रोक लगा दी थी। उसने 23 मई से दोबारा निर्यात की अनुमति दी, लेकिन घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए नियम भी लागू कर दिए। भारत के पाम तेल का आयात वनस्पति तेल उद्योग के 15% के अनुमान के अनुरूप है। भारत का अधिक मात्रा में पाम तेल खरीदना मलेशियाई पाम तेल वायदा को सहारा दे सकता है। वहीं जुलाई में कमजोर निर्यात के कारण मलेशिया पाम तेल वायदा 6% से अधिक नीचे लुढ़कता दिखाई भी दिया। वहीं बता दें कि चीन में कोरोना के नए स्वरूप के मामले बढ़ने लगे हैं। नए सिरे से प्रतिबंध लगने की आशंका के कारण डालमिया तेल में बिकवाली भी दिखी। वहीं कीमतों में आवश्यकता सुधार के कारण जुलाई में भारत का पाम तेल आयात 10 महीने में अपने उच्चतम स्तर तक पहुँच सकता है। इंडोनेशिया ने भी बता दें कि कटिबंधीय पाम तेल का अधिक निर्यात करने की मंजूरी दे दी। भारत का सूरजमुखी तेल का आयात जून में बढ़कर 1,19,558 टन हो गया। वहीं बता दें कि जो मई में 1,18,482 टन था। वहीं सी ने कहा कि सोयाबीन तेल का आयात जून में गिरकर 2,30,992 टन पर आ गया है और एक महीने पहले ये 3,72,000 के करीब। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।